हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय को लेकर डिस्कस करने वाले हैं जो कि किसान और केंद्र सरकार, इन दोनों के बीच जो बहस चल रही है उसे आज लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है। उसी के बीच में एक खबर सामने आई है कि केंद्रीय कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा है कि कानून में कोई कमी नहीं बता पा रहे किसान नेता। तो हम आज इसी विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि कानून में कोई कमी नहीं बता पा रहे किसान नेता, राजमार्गों पर किसानों का चक्का जाम, आज कुछ विपक्षीय दलों का समर्थन, ऐसा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है। संसद में तीनों कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार पर लगातार हमला किए जाने के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में अपने भाषण में यह कहते हुए इन कानूनों को सही ठहराया कि प्रदर्शनकारी किसानों और विपक्षी दलों में से कोई भी इनमें कमी नहीं निकाल पाया है। किसान संगठनों द्वारा शनिवार को दोपहर 12 बजे से अपराह 3 बजे तक देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किए जाने से एक दिन पहले तोमर ने इन कृषि कानूनों को सही ठहराया है। अलबत्ता उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को इस चक्का जाम से बाहर रखा गया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने चक्का जाम कराने के लिए दिल्ली में प्रवेश नहीं करने का भी फैसला किया है। राकेश टिकैत के नेतृत्व वाले संगठन भारतीय किसान यूनियन यानी कि भाकियों ने एक वक्तव्य में कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चल रहे कृषि कार्यों के कारण इन राज्यों से चक्का जाम वापस ले लिया गया है और इसके बजाय प्रदर्शनकारी किसान अपने संबंधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। इस बीच बजट सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान तोमर ने कहा कि सभी अधिनियमों में कोई कमी नहीं होने के बावजूद केंद्र ने विरोध करने वाले किसानों की भावना का सम्मान करने के लिए उनमें संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि वे उनमें कोई मामूली परेशानी भी नहीं बता पाए थे। तोमर ने दो अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनज़र किसानों के प्रतिनिधियों के साथ 11 बैठकें की है, लेकिन गतिरोध बरकरार है। हजारों किसान, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, कृषि कानूनों, कृषि उत्पादन, व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को निरस्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक इनके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की कानूनी गारंटी की भी मांग कर रहे हैं। तोमर ने दोहराया कि राजग सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व किसानों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके विरोध का सम्मान करते हुए कई दौर की बातचीत की है। राज्यसभा में कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र ने 3 नए कृषि कानूनों को लाने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किसान समुदाय को विकल्प के रूप में अपनी कृषि उपजों के अवरोध मुक्त व्यापार की सुविधा देने के लिए विभिन्न राज्यों और किसानों के साथ परामर्श किया था। बहस में हिस्सा लेते हुए शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों जैसे विभिन्न विपक्षी दलों ने यह मांग की है कि इन तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए और व्यापक विचार विमर्श के बाद नए कानून लाए जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट,
शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह की आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।